लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हर साल होली के अवसर पर शहर के लोगों को रंगों में मौजूद घातक केमिकल से बचने के लिए इंदौर में इन दोनों होली के प्राकृतिक रंगों को तैयार करने के लिए अनूठी पाठशाला चल रही है। इस पाठशाला में न केवल रंग तैयार हो रहे हैं बल्कि एक दूसरे को आत्मीयता के रंग भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल पद्मश्री एवं समाज सेविका जनक पलटा की पहल पर बीते 8 सालों से होली के सप्ताह भर पहले से उनके घर पर चलने वाली इस अनूठी पाठशाला में विभिन्न शिक्षण संस्थानों की छात्र छात्राएं होली के प्राकृतिक रंग तैयार करने के लिए यहां पहुंच रही हैं। यही नहीं, वे पहली बार फूलों में फलों से रंग तैयार करना भी सीख रही हैं। गौरतलब है केमिकल के बढ़ते उपयोग के चलते खुद कैंसर का शिकार हो चुकी समाज सेविका पद्मश्री जनक पलटा प्राकृतिक संस्थानों से कैंसर को हराने के बाद अब होली के रंगों में भी जीवन के रंग भर रही हैं। दरअसल उनकी कोशिश है कि होली के दौरान उपयोग किए जाने वाले घातक रसायनों से मिश्रित रंग ना केवल त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि यह अलग अलग तरीके से शरीर पर घातक प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे में यदि प्रकृति प्रदत्त संस्थानों से रंग तैयार कर लिए जाएं तो आम लोग रंगों के घातक प्रभाव से बच सकेंगे। यही वजह है कि पिछले 8 सालों से जनक पलटा अपने सनावड़िया ग्राम स्थित घर पर पलाश, चुकंदर, गुलाब के फूल, बोगनवेलिया, पोई, गेंदा, टिकोमा, गुड़हल, परिजात, मेहंदी और संतरे से गुलाल, अबीर और प्राकृतिक रंग बनाना सिखाती हैं। लिहाजा जो लोग प्राकृतिक संस्थानों से यहाँ रंग बनते देखते हैं वह भी इन रंगों के रंग में रंग रहे हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। पैसा कमाने के लालच में हम लोगों ने इसको प्रदूषित कर दिया है, जहर बढ़ा दी है, धरती में जहर बढ़ रही है। लेकिन जब हम प्राकृतिक तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक फूल पत्ते पौधे हैं और हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, ना तो सस्ता सुंदर और टिकाऊ होली का तरीका मैंने निकाला है। 9वां साल हो गया, मैं लगातार 1 सप्ताह होली के रंग बनाना सिखाती हूँ। अभी मेरे पास पोई है तो पोई का एक गीला रंग बनाती हूँ जो चिपकाने के लिए है, प्यार से मलने के लिए है, माथे पे तिलक लगाने के लिए है। पोई का गीला रंग पिचकारी भर के मजा लेने का, बच्चे पिचकारी भरे और अगर आपको डुबाना है किसी को तालाब बना के बड़ी टंकी में तो पोई के रंग में वो पूरा उसका शरीर सुंदर हो जाएगा। और ये उसके बाद गेंदे के फूलों का रंग है, गुलाब की पत्तियां ड्राई करके उसका गुलाल, अबीर गुलाल, बोगनविलिया की पत्तियों को सिर्फ आपने देखा है मेरा ड्रायर है वो ड्रायर में ड्राई करते हैं, एक दिन में हो जाता है, शाम को मिक्सी में चलाया उसका पाउडर हो गया। टेसू के फूल हैं जिसको पलाश भी कहते हैं, टेसू का भी हमने गीला रंग भी है और उसको सुखाया है तो सूखा भी है। तो इसी तरह से हमने पारिजात के फूलों का तीखा लगाने के लिए उसका केसर, तो उसका केसर या रंग, संतरे घर में लाते हैं उसके छिलके संभाल के रखें क्योंकि मैं कचरा मुक्त हूँ, 35 साल से मेरे जीवन में कचरा दान का काम नहीं है, तो हम उसका भी जो है रंग बना लेते हैं। पारिजात का रंग बना लिया है, चुकंदर को उबाला चिपकाने वाला बना लिया, अगर उसको पिचकारी वाला बनाना है, चमारिया रंग कहते हैं। हमारी रंगों की संस्कृति भी बनी रहे और त्यौहार की संस्कृति भी बने रहे, वही रंग हों जो हमारे यहाँ चलते रहे हैं, और ऐसी चीज़ों से भी बनाएं जो खाने के लिए बहुत महंगी हों और बर्बाद नहीं हों। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हल्दी का रंग, मुझे पता है पर हल्दी बहुत महंगी है, वो दवाई के काम आती है, जो चीज़ दवाई के काम आती है उसको रंगों में काम नहीं लेना, और ऐसी चीज़ों का लेना जो फूल है फिर आ जाएंगे कोई है। और प्रकृति ने हमें हर मौसम के अपने फूल फल रंग दिए हैं, हमें सिर्फ उसको ग्रहण करना, जैसे सोलर कुकर है तो लकड़ी से नहीं कुछ करना, तो सोलर कुकर पे रखते हैं, जस्ट लो सूर्य देवता प्रकट हुए, उसका उधर उनके सामने कर दिया और वो रंग, पानी रखा, रंग रखा, हो गया, कुछ करना भी तो नहीं पड़ता ना। 7-8 बता दिए हैं मैंने, पारिजात का रंग हो गया, पोई के 2 रंग हो गए, गुलाब का रंग हो गया, बोगनविलिया का रंग हो गया, गेंदे का रंग हो गया, प
पारिजात का रंग हो गया, चुकंदर का रंग हो गया, संतरे के छिलके का रंग हो गया, और मैंने आज आपको सिंदूर भी दिखाया, तो नौ रंग हो गए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।